नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। अगर आपको सीरियल सपना बाबुल का बिदाई याद है तो इसकी दो लीड एक्ट्रेसेस में से एक रागिनी का किरदार निभाने वाली पारुल चौहान भी आपको याद होंगी। इसी के साथ आपको ये भी याद होगा कि उस सीरियल में पारुल ने एक सांवली लड़की का किरदार निभाया था जो बेहद पसंद किया गया। फिलहाल वो अपनी शादी को लेकर चर्चा में है जो दिसंबर में होने वाली है। आइए जानते हैं कौन है पारुल चौहान। छोटे शहरों के बोर दोपहरों से दूर मुंबई में एक ग्लैमर की तलाश में कितने चेहरे आते हैं, इन्हीं में से एक है पारुल चौहान, जो सपना बाबुल का बिदाई के रागिनी के किरदार के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। 19 मार्च 1988 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जन्मी पारुल चौहान दिखने में बेहद सिंपल हैं। उनके डस्की कलर की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। सोर्सेस की माने तो उन्हें इस वजह से काम नहीं मिलता था। पारुल ग्रेजुएट हैं, उन्हें वो रहने वाली महलों के लिए भी जाना जाता है। उनकी फेवरेट हॉबीज की बात करें तो वो है कुकिंग, सिंगिंग और ट्रैवलिंग। फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख, तो टीवी पर उन्हें साक्षी तंवर और श्वेता तिवारी पसंद हैं। फेवरेट कलर है पिंक एंड ब्लैक, तो फेवरेट फिल्म है कल हो ना हो। 2009 में पारुल ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 में परफॉर्म किया था। पारुल 2012 में फिल्म मेहू में भी नजर आई थी। पारुल गोल्ड बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। 2007 में सीरियल सपना बाबुल का बिदाई से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली पारुल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इस सीरियल में उन्हें रागिनी के किरदार के लिए काफी सराहना मिली थी। शादी के बाद वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा फंक्शन रखेंगी और फिर पार्टी मुंबई में। हमेशा सिंपल से दिखने वाली रागिनी यानी की पारुल अचानक लाइमलाइट में आ गई थी अपने ग्लैमरस स्टाइल के लिए। सपना बाबुल का बिदाई सीरियल में आने के बाद पारुल ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा और कॉमेडी सर्कस में भी भाग लिया। ये एक्ट्रेस 2009 में इंडियन टेलीविजन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट की गई। पारुल इन दिनों काफी हॉट नजर आ रही हैं और वो अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जानी जा रही हैं। उन्होंने अपना जबरदस्त मेकओवर किया है और वो मेकओवर आप उनके इंस्टा पर देख सकते हैं। वो हर तरह के आउटफिट्स में नजर आ रही हैं और बेहद खूबसूरत हो गई हैं, यानी कि ये उनका जबरदस्त मेकओवर है। पारुल चौहान ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नजर आई। पारुल चौहान अपने टैटू की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं। पारुल ने 2008 में गायत्री मंत्र का अपनी पीठ पर एक टैटू बनवाया था। इस टैटू को अब पारुल ने हटवा दिया है। सोर्सेस की माने तो पारुल ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि गायत्री मंत्र बहुत पवित्र है और ये शरीर पर अंकित नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये टैटू हटवाने का फैसला किया। आपको बता दें कि पारुल को टैटू से बेहद लगाव है, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर पर कई जगह टैटू बनवा रखे हैं। पारुल चौहान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वो बॉयफ्रेंड चिराग शक्कर से शादी करने वाली हैं। उन्होंने अपने और चिराग को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि चिराग मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दोस्त भी हैं। बात को विस्तार करते हुए पारुल ने कहा कि मैं और चिराग हर जगह घूमते हैं, कॉफी पीते हैं। अगर लोग इसे डेटिंग समझते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग से उनकी पहली मुलाकात 2015 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। पारुल और चिराग इस साल 12 दिसंबर को शादी करेंगे। तो ऐसी है पारुल चौहान और ऐसी है उनकी कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।